बड़ी मुश्किल से मिला है, मेरे जो सबसे टाइम तक देखा है। ये था आपकी बात, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसको से मिले कभी नहीं आते, पहले तो हमें टाइम मिल गया, चलो अल्लाह का शुक्र है तो इसमें, ठीक है, तो मिलते लेते हैं हैं। इंटरव्यू लेते हैं। वालेकुम। हाँ यार ठीक है, कहाँ से हैं आप? न्यूज चैनल से हैं आप? अच्छा ठीक है, बेहतर मुझे रिव्यू से हमें आपके लिए खड़ा किया इस बार के। हैं आप बिस्मिल्लाह। बैठे चले ठीक है, आप बैठे, मैं रिव्यू साहब बुला रहा हूँ। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, ओके। बड़ी मुश्किल से मिला आपको, आज बहुत हैरी जी से मुलाकात की। ये आपकी बात है कि आप सही बोल रहे हैं, असलम बिल्कुल बिल्कुल साहब। सर मेहरबानी आपकी, क्या आपने हमें टाइम दिया इंटरव्यू का, हमें आपने मौका दिया। कोई बात बैठे, बड़ी मुश्किल से मौका मिला आपसे इंटरव्यू का, आप हमें बताएं कि आप अमीर कैसे हुए? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। और जहां तक अमीर होने का सवाल है तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी सबसे पहली किताब लिखी थी, उसका नाम था अंधेरी नगरी का राजा। आपको पता है उसके बारे में कुछ? जी 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 जी, आप मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात फ्राहम करते तो क्या अच्छा ही होगा। चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। दरअसल वो किताब मेरी पहली थी और वो पहली ही किताब मैंने अपनी जात के ऊपर लिखी थी। उसकी कहानी कुछ इस तरह है, चले मैं आपको बताता हूँ। सलाम अलैकुम बेटा, खैर है बेटा? मैंने सलाम किया है, किस हाल में मास्टर हैं, क्या परेशानी है आपको? बस बाबा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने नौकरियां भी की हैं, कारोबार भी किए हैं, सब में मुझे नुकसान हुआ। बेटा क्या नुकसान हो रहे हैं आपके? बाबा मैंने जितनी भी नौकरियां की है ना, सब में मुझे नुकसान हुआ है ना। मैंने काम किया तो उधार पे चल गया, पैसे आज तक मैं नहीं ले सका। अब मैं इतना परेशान हूँ, मैं अमीर भी होना चाहता हूँ और मेरे हालात भी इतने नासाज है। मैं बहुत तंग हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मैं बहुत परेशान। बेटा मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। बाबा जी मुझे आप हल बताएं, उसमें आपका एक नुकसान हो सकता है। मुझे नुकसान सारे मंजूर हैं बाबा जी। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आपने किसी को नहीं बतानी। मूसे वाली दरबार है, इधर उधर रमजान करीम के महीने में 5 लोग आते हैं, एक बुजुर्ग होता है, 4 बच्चे होते हैं, आपकी वो परेशानी का हल निकाल सकते हैं। बाबा वो कैसे? बेटा आपकी जो मुराद है वो पूरी कर देंगे, लेकिन आपकी एक कीमती चीज ले लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। यार बाबा ने मुझे बात तो सही कही है, मैंने अपनी जिंदगी में तो बहुत सारे नुकसान उठाए हैं, क्यों ना मैं ये नुकसान भी उठा के देख लूं। मैं जाके देखता हूँ वो दरबार कौन सी है, हमें तो पता भी नहीं है यहाँ पे कोई दरबार भी है। यहाँ पे तो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, सिर्फ ये छोटी सी दरबार है, इतनी यहाँ पे मुरादें पूरी हो जाती। चलो मैं यहाँ पे दुआ मांगता हूँ, यहाँ पे बैठ के फिर मैं वहाँ पे छुप जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, अब छुप जाता हूँ, ऐसा ना हो कहीं वो बाबे आ ही ना जाए, मैं गलती से छुप जाता हूँ। मैं यहीं पे छुप जाता हूँ, वहां से जब आएंगे मैं निकल। अल्लाह 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 अल्लाह।
पापा पापा मैंने आपको ढूंढ लिया, पापा पापा मैंने आपको ढूंढ लिया। तो पता है जी बाबा, मुझे पता है तेरी कीमती चीज छिन जाएगी और फिर तेरी मुराद पूरी होगी। ठीक है बाबा, छिन जाए जा तेरी मुराद पूरी। ये मुझे क्या हो गया, ये मेरा सर क्यों घूम रहा है, मुझे नजर क्यों कुछ नहीं आ रहा, मुझे नजर क्यों कुछ नहीं आ रहा, मुझे नजर क्यों कुछ नहीं आ रहा। ये थी मेरी दुख भरी दास्तान जो कहानी मैंने अपनी दादी को लिखी थी। हमें आपकी कहानी की समझ आ गई। उस कहानी में तो लड़का दौलत की लालच की खातिर अपनी आंखें खो देता है, लेकिन माशाल्लाह से आपकी आंखें तो सलामत है। लेकिन आप पर ये कहानी कैसे है? नूर मोहम्मद बेटा, वो मेरी लाठी पकड़ा। सोशल मीडिया पर नेम चेंज की अपनी खुद की आंखें नहीं जी जी, इसलिए तो वो बहुत सी फंडिंग करते हैं, डोनेशन और एनजीओ वगैरह चलाते हैं। बेशक बेशक, इसी